उनका कुछ बोला नहीं है ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। फिर इस हिसाब से तो कानून को किसी को सजा देनी नहीं चाहिए। सामने वाला बोल देगा तुम्हारे साथ थोड़ी कुछ गलत करा भाई मैंने। तो क्या धीरू मोहन जी ने रोस्ट करा है कैरी मिनाटी एंड साथ में रजत दलाल की कॉन्ट्रोवर्सी को? तो चलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि भाई क्या सीन हुआ है। तो बेसिकली भाई जो कि धीरू मोहन जी है भाई, आज उनके चैनल पर एक न्यू वीडियो आती है भाई उनको रोस्ट करते हुए रजत दलाल को, एंड अपनी भाई पूरी की पूरी वीडियो भाई वो रोस्ट करते हैं रजत दलाल को, एंड उसका भाई मैं आप सबको एक छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ। एंड तो भाई कैरी मिनाटी को भाई वो इंडायरेक्टली रोस्ट करते हैं, तो वो क्या कुछ कहे देखो आप लोग एक पार्ट। थोड़ा शुरू हुआ रजत भाई और कैरी भाई के बीच में। वैसे तो देखो रजत दलाल के लफड़े मैंने सीरियस लेने बंद कर दिए आजकल, क्योंकि सामने वाले इंसान के साथ इनका कोलैब आने से पहले कंट्रोवर्सीज आती है, बाद में फिर ये जाके कोलैब करते हैं। क्यों था गेस भाई, सही कह रहा हूँ ना भाई? ये मेरे को कह रहा है मैगडी में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, पर जो चीज मना होगी हम वही करेंगे। हम तो ये बनाएंगे। इसकी हरकतें और आवाज दोनों 12 साल के बच्चों वाली है। मैगडी की माँ की पैसे देने, पैसे नहीं तो और क्या देगा। सो बेसिकली कैरी भाई ने अपनी नई वीडियो के अंदर रजत को रोस्ट किया है, जिसे देखने के बाद रजत हो गया ऑफेंड। उनने बना दी इंस्टाग्राम पे वीडियो। तो भाई बहुत जगह से मेरे पास एक वीडियो आ रही है कि एक पांच फुट बैटरी ने मेरे पे रोस्ट निकाला है। उस चूतिए का नाम है कैरी। खैर उसका धंधा ही है औरों के दाम, औरों के नाम पे, औरों के काम पे बोल बाल के अपने व्यूज लेना। ये धंधा सिर्फ और सिर्फ कैरी का नहीं है रजत भाई, तुम्हें याद दिला दूं इस सेम कैटेगरी में तुम भी आते हो। तुम तो इससे वर्स्ट कैटेगरी में आते हो एकदम। कम से कम एक रोस्टर या यूट्यूबर की बातें सुनकर हंसी तो आ जाती है, तेरी बातें सुनकर तो दिमाग खराब हो जाता है लॉजिक ढूंढते उनमें। एग्जांपल पर भाई मेरे को जितना पता है मैंने आपसे कभी उल्टा सीधा कुछ बोला नहीं है ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। फिर इस हिसाब से तो कानून को किसी को सजा देनी नहीं चाहिए। सामने वाला बोल देगा तुम्हारे साथ थोड़ी कुछ गलत करा भाई मैंने, तुम क्यों मुझे जेल में डाल रहे, तुम क्यों मुझे फांसी पे चढ़ा रहे। अगर हिसाब से रहना है तो कल तक मेरा पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए और एक सॉरी की वीडियो आ जानी चाहिए। पर मुझे पता है आपके अंदर मेल ईगो बहुत ज्यादा है, वो मैं उतारता हूं। आप रियल लाइफ बनाओ, हम रियल लाइफ में आपका भीम बनाएंगे। भाई सेम स्क्रिप्ट पे एक पिक्चर बन चुकी है, दूसरी ना बनाओ। हाँ तो गाइस जैसे तुम देख सकते हो रजत भैया ने डिमांड करी थी कि इनका वो डिलीट हो जाए पार्ट कैरी की वीडियो से, कैरी ने कद्दू नहीं करा, कर दिया है भाई ट्रिम कर दिया है। इवन कैरी ने इंस्टाग्राम पे आके सॉरी भी बोल दिया रजत को। जब मुझे शुरू में पता लगा था मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि कैरी ने क्यों हटाया, बट कैरी का वीडियो उसका डिसीजन है उसके ऊपर छोड़ते हैं। बट उसके बाद अभी रजत ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट करा है जिसमें कोई तुक कोई पैर नहीं है और रिएक्ट करते हैं उस पे, बाकी तो कोई और करेगा नहीं क्योंकि सारे रजत के दोस्त हैं और अपने दोस्त की गलतियां कहां ही बताते हैं भाई, खासकर उसकी जिसकी वजह से जिन्हें फायदा हो। आपने एक शब्द यूज करा चपरी, 3 महीने की कंट्रोवर्सी से आपने कंटेंट उठा लिया आपके मसाले के लिए जो काम करता। आपने पीछे जाके ये नहीं देखा कि 10 साल से एक इंसान काम क्या कर रहा है। अच्छा पहले डिस्ट्रिक्ट जीतना पड़ता है फिर स्टेट फिर नेशनल। भाई तुझे जानते किस लिए है लोग ये तो सोच ले पहले, 3 महीने से ही जानते हैं तुझे, कंट्रोवर्सी के लिए जानते हैं, तो फिर जो तुम्हारे मेडल्स हैं जो अचीवमेंट है उनका क्या करें लोग, उनकी वजह से नहीं जान रहे भाई। मेरी पहली पोस्ट ना 12 इंटरनेशनल मेडल है, 4 महीने में मैं भी एक बहुत जबरदस्त रोस्ट बना सकता हूँ, बहुत जबरदस्त जो बढ़िया चलेगा और वो भी आपके ऊपर। आप 4 साल में इंटरनेशनल स्टेज पे पैर नहीं रख सकते। वाओ रजत भाई यू आर टू स्मार्ट, नाटी नाटी। रुक जा भाई मेरा जो पॉइंट है उसे रखने के लिए मुझे 1 मिनट। ओके 41 मिलियन। हाँ तो भाई क्या कह रहे थे कि कोई 4-5 साल ट्रेनिंग करके तुम्हारे जितने मेडल नहीं खरीद सकता, जीत सकता खरीद नहीं, मैं जोक नहीं मार रहा था निकल गया मेरे मुंह से ऐसे। भाई तो तुम भी 4 महीने में एक रोस्ट वीडियो बना के 40 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं गेन कर सकते, एक डायमंड प्ले नहीं ला सकते घर पे। समझे कौन लिख रहा रजत भाई तुम्हारे आर्गुमेंट, कौन बता रहा तुम्हें, किसकी बातों में आ रहे सही सही बताओ। चलो ये मैक्सन तो नहीं है कहीं तो ना भाई ने मैच्योरली बिहेव करा, फेम नहीं देने की कोशिश करी, तो ये इतना बड़ा भी हुआ नहीं है कि मैं इससे फेम चूसूंगा। भाई एल्विस और मैक्सिम की कंट्रोवर्सी में क्यों आए थे, अगर फेम नहीं चाहिए था तो है? फेम नहीं चाहिए तो भाई सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, अपने वेटलिफ्टिंग की प्रैक्टिस ट्रेनिंग करते रहो, मेडल जीतते रहो। हा? तुम्हारे ओपिनियन मेरे बारे में मेरे मेरे लोग तुम्हारे ओपिनियन मेरे बारे में क्या सोचता हूं और मेरे बारे में सही। वीडियो ड्रीम कर वीडियो हाँ भाई जब तुम्हारे ओपिनियन जब तुम्हारे लिए मैटर करते हैं तो फिर वीडियो क्यों हटवा रहे भाई, ये भाई बातें कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं हो रही है। माइटी राजू सही में माइटी हो गया। अगर अभी भी किसी को बहम हो ना तो बता देना, अगर मेरे पे या मेरे किसी एथलीट भाई पे तुमने कोई रोस्ट बनाया या तेरे किसी भाई ने रोस्ट बनाया भाई, तो अभी हमने प्यार से बात करी है मैंने, अगली बार हाथ दे के बात करेंगे।
रजत भाई ये सिस्टम बहुत खराब है तुम्हारा। कभी तो अपनी कम्युनिटी ले आओगे तुम, अभी कम्युनिटी नहीं ला रहे हो तो अभी एथलीट्स को अपने साथ ले आ रहे हो। भाई तुझे बोला गया है, तुझे रोस्ट किया है और एथलीट्स को नहीं किया है। और एथलीट्स इंस्टाग्राम पे आके भाई बकैती नहीं काट रहे हैं, ढंग से अपनी वीडियोस बनाते हैं, इज्जत से चीजें करते हैं। जो नहीं करते हैं उनकी वीडियो पे जो कमेंट अजीब चले जाते हैं। और तो और एथलीट्स का नाम ना लाया जाए भाई। अच्छा ये सपोर्ट लेना होगा ना भैया को अपनी कम्युनिटी से। इससे पहले वाले लफड़े में जब राजवीर से हुआ था तब वो था इनका जाट कम्युनिटी को ले आए थे ये राजपूत कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो ये तो इनका पुराना वो है भैया जी का। एंड बाकी सब्सक्राइब कर लेना मोर अपडेट्स के लिए।